इस वीडियो में बताने वाले हैं साइंस का टॉपिक। पहला टॉपिक है कोयला गैस और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पहला टॉपिक है कोयला गैस। कोयला गैस कैसे बनता है, कैसे प्राप्त होता है? तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय, जब कोयला को कोक बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, कोयला गैस प्राप्त होता है। और यह कोयला जो प्रक्रम संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब कोयला गैस का उपयोग यहाँ से यहाँ तक, तो कोयला कैसे बनता है? तो कोयला के प्रक्रम द्वारा कोक जब बनाते हैं तो उसी समय क्या होता है, कोयला गैस प्राप्त होता है। और यह कोयला गैस जो है क्या होता है, कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि कोयला गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, लंदन में 1810 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। और पहली बार कोयला गैस का उपयोग कहाँ किया गया था, तो लंदन में 1810 ईस्वी में और न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, कोयला गैस का उपयोग आजकल रोशनी के बजाय किसमें किया जाता है, ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पहले क्या किया जाता था कि रोशनी के लिए किया जाता था, लेकिन अब ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम, तो मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल किसे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और इसको ही पेट्रोलियम कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का निर्माण। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी क्या जाते हैं, दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और ताप का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा होते जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।